आज बड़े ही गौरव की बात है कि शिव शक्ति में भेद समाप्त हो गया। माने आज शिव शक्ति हृति एकम तत्व माहुर मनीषिणा, जहाँ एक तरफ श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र का श्री गणेश आदरणीय मोदी जी ने किया था, वहीं दूसरी तरफ शक्ति का धाम जो है विशिष्ट धाम श्री विंध्यवासिनी का धाम, आज विंध्य परिक्षेत्र का भी निर्माण का शुभारंभ हो गया है। तो विंध्य परिक्षेत्र के निर्माण का शुभारंभ करते हुए बाबा विश्वनाथ के दरबार तक श्री अमित शाह का आगमन हुआ है, माननीय गृह मंत्री का। तो यह सब हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। और दोनों ही विशिष्ट परिक्षेत्र जो इधर के हैं, वह अपने आप में जब इनका सुंदरीकरण और विस्तारीकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा, तो जो भी आस्थावान श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं लाखों लाख की संख्या में, उनके लिए एक आनंद की अनुभूति भी होगी और एक प्रशस्त स्थान का भी उनको लाभ मिलेगा। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कौन सी पूजा हुई है, अमित शाह जी ने यहाँ कौन सी? बाबा विश्वनाथ के दरबार में माननीय गृह मंत्री जी ने षोडशोपचार विधि से सविधि पूजन किया है, अभिषेक किया है और भगवान विश्वनाथ से सभी राष्ट्रवासियों के अभ्युदय और कल्याण की प्रार्थना की। निरीक्षण भी किया क्या कॉरिडोर? हाँ, ये विश्वनाथ कॉरिडोर का विशिष्ट क्षेत्र का परिभ्रमण करके और जो प्रोजेक्ट है, जो वर्तमान में कार्य चल रहा है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, जो क्षेत्रफल का विस्तार है, उन सब विषयों पर विशद अध्ययन किया है उन्होंने, देखा है, जाना और समझा है। कोई विशेष पूजा? विशेष विधि से पूजन होता है, उसका फल क्या होता है, क्या फल होता है इसका? बाबा के दरबार में सावन के महीने में जब ऐसे लोग आते हैं तो निश्चित रूप से वह उनका व्यक्तिगत नहीं होता है, बल्कि पूरे राष्ट्र की समृद्धि, सुख समृद्धि की भावना से ही होती है।
और उन्होंने भी आज जो संकल्प किया है वो समस्त राष्ट्रवासियों के अभ्युदय और श्रेयस का और कल्याण का किया है।